नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम पद्मावत का पाठ विश्लेषण करेंगे। कुछ रचनाएं चुनी हुई है, उन चुनी हुई रचनाओं को किस तरह से पढ़ें, किस तरह से उसका एनालिसिस करें, ये हम आज बताना चाहेंगे। इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप पद्मावत के कुछ पदों का अर्थ जान पाएंगे, कुछ हिस्से छोटे से उनको जान पाएंगे। उन हिस्सों के माध्यम से आप संपूर्ण पद्मावत के सौंदर्य को समझ पाएंगे। आप ये भी जान पाएंगे कि इन पदों में जायसी किस तरह से अपनी बात कहते हैं और उनकी जो बातचीत की कला है, या जो कहना चाहिए उनकी जो कविता की कला है, काव्य कला है, उस काव्य कला की भी एक झांकी देख पाएंगे। और आप देख पाएंगे कि जायसी किस तरह से चीज़ों का वर्णन करते हैं। आप जानते हैं कि पद्मावत एक महाकाव्यात्मक रचना है, उसमें एक लंबी कथा है और वो कथा कहती है, कथा बीच बीच में रुकती है, उसके बीच बीच में छोटे छोटे खंड है। एक खंड जो बहुत प्रसिद्ध है वो है नागमती वियोग खंड। चित्तौड़ के राजा रतन सेन की पत्नी है नागमती, और रतन सेन ने सुआ के माध्यम से पद्मावती का सौंदर्य पता चला कि पद्मावती इतनी सुंदर है। उस सौंदर्य के अंदर एक अलौकिकता की अनुभूति हुई और एक तरह से जोगी बनकर के उसको पाने के लिए राजा निकल जाता। पीछे जो नागमती है ये दुखी होती है कि मेरा ये पति चला गया, और उसका जो विरह है वो एक लौकिक स्त्री का, जिसे कहना चाहिए विरह है, उस विरह का जायसी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। उसके कुछ चुने हुए जो अंश है, उन चुने हुए अंशों के बारे में हम आपसे बात करते हैं। शुरुआत जो होती है इसकी, वो होती है कि नागमती चित्तौड़ में है और चित्तौड़ का वो रास्ता देख रही। नागमती चितौर पंथ हेरा, पीऊ जो गए फिर कीने ने फेरा। और अब उसके बाद वर्णन कि नागमती ने चित्तौड़ का रास्ता देखा, चित्तौड़ में बैठी हुई रास्ता देखा, या चित्तौड़ में अपने पति के आने का वो रास्ता देख रही है कि कब आएंगे वो, या जब भी वो आ जाएं तभी तैयार रहे। माने वो स्वागत के लिए हमेशा तत्पर व्यक्ति ही रास्ता देखता। रास्ता जो है कि आपको पता है कि कोई व्यक्ति 15 दिन बाद आएगा तो आप रास्ता नहीं देखोगे। जब अनिश्चित है तब भी कई बार रास्ता नहीं देखते। अनिश्चित है लेकिन हमारे मन में ये आशंका है कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए, आने ही वाले हैं बस। तो रास्ता देखना एक उसकी आतुरता को सूचित करता है, जो रानी की आतुरता है। और चूंकि वो मध्यकाल का युग है तो मध्यकाल में संचार के साधन नहीं थे, आप सूचना नहीं दे सकते। एक आदमी ही आकर के सूचना दे सकता है कि वो फलां जगह आया या नहीं आया, कब आएगा कब नहीं आएगा। तो सूचनाओं के अभाव में एक जो पीड़ा होती है विरह की, वो अनिश्चित हो जाती, और उनके स्वागत की चीज़ें भी अनिश्चित हो जाती। इसका अपना एक सौंदर्य होता है। इस सौंदर्य का जायसी ने उपयोग किया और जो नागमती है उसका वहाँ से शुरू किया कि वो बैठी बैठी चित्तौड़ में पंथ हेरा, रास्ता देखा, और पिया जो गए फिर कीने न फेरा, वापस फिर के नहीं, एक बार गए वापस नहीं। पिऊ जो गए, जो एक बार गए पिऊ, पूरी कथा के बीच में जायसी को बड़ी बारीकी आती है कि वो कैसे कुछ बातें आपकी कही हुई मान ली जाती है, और बहुत ही बारीक जो मतलब की बात होती है, जो अर्थवान बात होती है, उसी पर वो कहते हैं पुनकीने ने फेरा, फिर से वापस मुड़े ही नहीं। वो जो व्यक्ति गया है, वो जो पिए गया है, वो आगे से आगे ही गया है और आगे से आगे चलता जा रहा। ऐसा भी हो सकता है कि आया एक बार मिल लिया फिर वापस चला गया फिर वापस आ गया, ये सब नहीं। एक बार गया फेरा ही नहीं किया, और जब पुनः नहीं आए तो उसकी जो बेचैनी है, और क्षण क्षण की उस बेचैनी को पर उंगली रखने के लिए वो कहते हैं कि नागमती चितौर पंथ हेरा, पीऊ जो गए फिर कीने न फेरा, क्यों नहीं आए। अब यहाँ पर एक जायसी ने बहुत कलात्मक शब्द का प्रयोग किया, नागर नार काहू बस परा ते ही विमोही मोसो चित हरा। वो ऐसा लगता है कि किसी नागर नारी से, किसी नगर की नारी से मोहित हो गया, विमोही हो गया है, उसके और मोहित भी ऐसा हुआ कि उस नागर नारी के वश में हो गया वो। तो नागर नार काहू बस परा ते ही विमोह मोसू मत हरा, उससे मोहित हो गया, और उससे जब मोहित हुआ तो मुझसे जो है अपना चित्त हरण कर लिया, अपना चित्त जो है दूर कर दिया। ये एक भारतीय साहित्य की एक बड़ी भारी काव्य रूढ़ी है, और जिसका बहुत कवियों ने इस्तेमाल किया है
कि हर बार ये लगता है कि जो नायक है वो किसी और स्त्री से प्रेम करने लग जाता है और दूसरी स्त्री से प्रेम करने के कारण जो नायिका है, जो मूल पत्नी है, उसकी बड़ी भारी पीड़ा शुरू हो जाती है। तो इसमें जो दूसरी स्त्री का जो प्रेम है उस पर जो टिप्पणी, सोतिया डाह जिसको कहते हैं, आप इसको सोतिया डाह इस रूप में नहीं कह सकते कि ये तो पत्नी है, वो तो पत्नी है ही नहीं, पता नहीं कौन है। तो आशंका, चूंकि पति के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए कहते हैं संभव है कि किसी नागर नारी के वश में आ गया। अब यहाँ पर नागर शब्द जो है महत्वपूर्ण है कि नगर की नारी है, नगर की नारी समझदार है, मैं गांव की हूँ, मैं भोली हूँ, मुझे पता नहीं है। तो लोक और शास्त्र का, गांव और नगर का जो है ना, वो तनाव आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और जायसी ने नागमती को बना दिया ग्राम की नारी और पद्मावती को एक आरोपित कर दिया कि वो नगर की नारी। और नागर नारी जो ही कहा जाता है तो उसका एक अर्थ ये भी होता है कि नागर नारी को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना आता है, अपने को अच्छी तरह से प्रस्तुत करना आता है और उनको पुरुष को वश में करने की कला उसको ज़्यादा अच्छी आती है। मैं तो उतनी समझदार नहीं हूँ, तो एक तरह से आत्मभर्त्सना भी करती है वो कि मैं क्यों नहीं इनको वश में कर पाई, मेरे पास तो थे, मुझको छोड़ के ही कैसे चले गए और क्यों चले गए। ये आत्मभर्त्सना उसके नायक के विरोध में नहीं जाती, अपनी पीड़ा का तो वर्णन करती है यहाँ पर नागमती, लेकिन ये नहीं कहती कि रतन सेन की कोई गलती है, रतन सेन के बारे में कुछ नहीं है, वो जो नागर नारी है उसने वो पड़ गया वश में बेचारा, उसके समझ में नहीं आई। तो नागर नारी काहू बस पड़ा ते ही विमोह मोसों चित हरा, उसके विमोह में उस पर मोहित होकर के मुझसे उसने अपना चिथर लिया। सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं लेत लेत बर जीव। और ये जो सुआ है वो काल बन करके आ गया और वो ले गया मेरे पीऊ को, मेरे पति को सुआ ले गया। हीरामन तोता ने सबसे पहले चूंकि वर्णन किया था पद्मावती के सौंदर्य का और उसी से प्रभावित होकर के राजा पद्मावती के ढूंढ में चला गया। तो एक एक कथा के साथ में, जो पुरानी कथा पद्मावत की कहते आ रहे हैं जायसी, उस कथा को इन्होंने खटाक से जोड़ दिया और पता ही नहीं चला। और वो ये कि ये पीड़ा है और पीड़ा का कारण नागर नारी। तो नागर सुआ काल हुई लेगा जीव, पीऊ नहीं लेत लेत बर जीव, वो पीऊ को नहीं ले गया, मेरे जीव को ही ले गया, मेरे प्राण हरण करके ले गया, क्योंकि मेरे प्राण मेरे प्रिय में बसते हैं, प्रिय को वो ले गया। तो दर्द जो मुझे होता है, गया तो पीऊ लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्राणों को खींच कर लिए चला जा रहा। तो दर्द की इंतहा, प्राण निकलना, प्राण सबसे अधिक पीड़ादायक होता है उसका आना जाना। तो पीऊ नहीं लेत लेत बर जीव। अब यहाँ पर जायसी ने जो भारतीय संस्कृति के जो पौराणिक संदर्भ है, जो संदर्भ हमारे जो हिंदी पाठकों को या भारतीय पाठकों को पता रहता है, तो उससे वो जोड़ना चाहते हैं, जोड़ते रहते हैं और पुरानी कथा के माध्यम से भी अपनी बात कहते हैं कि कैसे ये नागमती के साथ में अकेली के पहली बार हुआ हो, ऐसा नहीं, वो स्वयं नागमती भी जानती है कि ऐसा मेरे साथ ही हुआ, ये नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत छली लोग संसार में पाए जाते हैं। भयव नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा। वामन रूपी जो नारायण है वो आया और उसने राज्य करते हुए बाली राजा को जिस तरह से छला, बहुत छोटा सा साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके स्वयं नारायण आए थे, उसी तरह से ये सुआ का एक रूप धारण करके आया और उस सुए ने मेरे को ठग लिया, उसी तरह से ठगा जैसे पुराने हमारे जो मिथ की कथा है कि जिसमें नारायण जो है वामन का अवतार धारण कर करके आते हैं और वो राजा बलि से वो तीन पैर जमीन मांगते हैं और उसी के अंदर बलि के ठग जाता। और भी लोगों ने ठगा, करण बाण लेने के छंदू भारत वे जिलमिल आनंदू। करण के जो महाभारत का जो करण है उस करण के कवच पहना हुआ था। और एक बार करण कहते हैं कि बहुत दानी व्यक्ति था और उसे माना जाता था कि सुबह सुबह कोई भी अगर उसके घर चला गया तो जो भी मांगता था उसको दे देता। तो कृष्ण ने एक महाभारत की कथा में एक भाई भेजा किसी को, जाके करण अभी ये देता है, जाके ले आओ। तो उनके कवच मांग लिए और कवच जो है बहुत सुरक्षा कवच थे और ये था कि जब तक वो कवच पहने रहेंगे तब तक कोई उनको परास्त नहीं कर सकता। वो कवच मांग लिए और वही कवच पहन करके भरत माने अर्जुन जो है वो अपना आनंद ग्रहण कर रहा था, उसके शत्रु के पास में पहुंच गए तो छल से प्राप्त किए, माने यहाँ छल के अर्थ में किस तरह से छल किया, करण के साथ छल किया, बाली के साथ छल किया। इसी तरह मानत भोग गोपीचंद भोगी ले उपसुआ जलंधर जोगी। गोपीचंद
जो योगी था, नाथ संप्रदाय के अंदर बड़ा प्रसिद्ध नाम है जो भारतीय समाज में बहुत लोक साहित्य में मान्य है। तो गोपीचंद राजा जो है वो अपना राज कर रहा था, आराम से भोग विलास में लिप्त था। तो जो जालंधर नाथ योगी आया और उसको लेकर के चला गया गोपीचंद को, भैया तू चल, अच्छा खासा तो रह रहा था। इसी तरह अच्छे खासे तो राजा मेरे पास थे, लेकिन ये सुआ पता नहीं कहाँ से आया, वो उसी तरह से आया जैसे जालंधर योगी आया। ले कान भा अक्रूर अलोपी, अक्रूर जो थे, अक्रूर अब यहाँ पे कृष्ण की कथा से इन्होंने जोड़ दिया, अक्रूर आए थे गोकुल में, ब्रज में आए और आकर के और कहा कि साहब आपको तो मथुरा जाना, तो कृष्ण को मथुरा जाना। तो पहली बार जो कृष्ण है मथुरा अपने माता पिता से मिलने और वो गए थे, तो वो अक्रूर जी उनको लेकर के आए। तो अक्रूर आए उनको ले गए। अब कठिन बिछो जी किम गोपी, अब बिचारी गोपियां जो है किस तरह से इस बिछो को, इस दर्द को कैसे वो जिए। और अब यहाँ पर जायसी ने सूरदास की और पुरानी वो जो उस समय का साहित्य प्रचलित था उस पर एक टिप्पणी कर दी, और जाहिर है कि एक सकारात्मक टिप्पणी की, क्योंकि उनके विरह का ये प्रकरण है जो प्रकरण उस समय मान्य था और कथाएँ प्रचलित थी। तो ले कान बा अक्रूर अलोपी, कठिन बिछो जीव किम गोपी, अब वो बिचारी गोपी किसके विषय में जिए। अब गोपियों की जो पीड़ा है उस पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़ दिया इसने नागमती ने, इतने सारे लोग। और इसलिए ये जो कथा है, इस कथा में कैसे पूरी संस्कृति, कैसे हमारी स्मृति, कैसे हमारा इतिहास, कैसे हमारे मिथक जुड़ते चले जाते हैं, और ये इसका इन्होंने ध्यान रखा जायसी ने। सारस जोरी किम हरी मार गेव किन खग, सारस की जो जोड़ी थी दोनों में से एक को मार दिया, तो वो मार दिया तो पुरुष को क्यों मारा, खगी को मार देते, स्त्री को मार देते, माने मुझे मार देते। और वो इसी तरह से मेरे को तो लग रहा जैसे मार दिया, जुर जुरी पंजीरी धन भई, जुर जुर करके माने इतना याद कर रही थी कि मिले मिले मिले, उसे पंजर मात्र रह गई, शरीर ढांचा मात्र रह गया भाई, विरह की लागी आग, विरह की आग लग गई है, और उस आग के कारण ये पूरा पंजा जल गई है सारी। तो ये जो नागमती का जो वर्णन है, जो स्वयं नागमती अपने बारे में बात कहती है, और स्वयं जब अपने बारे में बात कहती है तो बाकी लोगों को भी वो जोड़ती जाती है, पूरी अपनी परंपरा से जोड़ती रहती है, और अपने दर्द को अभिव्यक्त करती है, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती है, जिस प्रेम में किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए नागमती को जायसी ने खलनायिका नहीं रखा था। रतन सेन और पद्मावती का भले ही प्रेम हो और भले ही ये जो महाकाव्य है ये पद्मावती के ऊपर लिखा गया हो, लेकिन जायसी का यथार्थवाद इस अर्थ में आता है कि नागमती के दर्द को भी वो एक जगह देते हैं और उसे बोलने का अवसर देते हैं। और कई बार ऐसा लगता है, और आलोचकों ने कहा है कि नागमती जब बोलती है तो सब सुनते हैं, प्रकृति सुनती है, समाज सुनता है, देश सुनता है, और हम आज का पाठक भी सुनता है, तो उसका एक महत्व यहाँ से वो इस छंद की, इस प्रकरण की जो खंड है नागमती वियोग खंड, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहला खंड। और इस पहले खंड में वो पाठक को अपने अंदर ले लेती है, पाठक को इसके लिए तैयार कर लेती है कि अब आप हमारी बात सुनिए, और पाठक सब चीज़ें छोड़ करके और आगे इस रचना में आ जाता है। रचना के में पाठक को आमंत्रित करना और आमंत्रित करके आगे उसके समर्थन में उसको पढ़ना, ये किसी भी रचनाकार की एक बड़ी चीज़ होती है, और यह इस पहले खंड में ही नागमती कर पाती। अब अगर आप इस छंद को वापस पढ़ें तो आपको इसका सौंदर्य समझ में आएगा कि नागमती चितौर पंथ हेरा, पीऊ जो गए फिर कीनन फेरा, नागर नारी काहू बस परा, तेई विमोह मोसों चित हरा, सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं लेत, लेत बर जीव, भयऊ नारायण बावन करा, राज करत बाला बलि राजा छरा, करण बान लेने के चंदू, भारत वेउ जिलमिल आनंदू, मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले उपसुआ जलंधर जोगी, ले कान भा अक्रूर अलोपी, कठिन विचोई जिए किम गोपी, सारस जोरी किम हरी मार गेव किन खगी, जुर जुर पांजरी धन्य भई, विरह की लागी अग। ये यहाँ से वो शुरुआत करती है, और उसके बाद में फिर वो अपने दर्द की अभिव्यक्ति करती है, और दर्द की अभिव्यक्ति करते करते बारह मासा के वर्णन पद्धति की तरफ जायसी ले जाते हैं। और ये मान्य है
कि जब विरह वर्णन किया जाता है, पुरानी भारतीय परंपरा है कि विरह वर्णन में 12 मासे का वर्णन होता है और जो संयोग संगार होता है विप्रलंग संगार में, वियोग संगार में 12 मासा और संयोग संगार में षड ऋतु वर्णन की परंपरा, और जो ये परंपरा है उसी परंपरा का निर्वाह जायसी करते हैं। अब किस महीने से शुरू करें, 12 महीने में किसका वर्णन है, तो आम तौर से हमारे यहाँ तो चैत महीने से शुरू होता है वर्ष, चैत शुरू होता है और अंतिम जो है फागुन होता है, या जैसे अंग्रेजी उसके हिसाब से होता है जनवरी से शुरू होता है और फिर दिसंबर तक चलता है पूरा वर्ष। लेकिन 12 मासा में आषाढ़ से शुरुआत होती है, और ये आषाढ़ से शुरुआत, और ये आज का ही नहीं बहुत पहले से जो हमारा संस्कृत काव्य है उसमें भी जो वीर वर्णन की परंपरा है वो आषाढ़ से शुरू होती है। जायसी को हमारी परंपरा की जानकारी थी, जायसी यहीं कहते उनको पता था, और उस परंपरा का वो निर्वाह करते हैं, बराबर करते जाते हैं, और वहाँ से वो आगे अपनी बात कहते हैं। तो अगला जो प्रकरण है जिसमें हम पढ़ेंगे आषाढ़ महीने में वीर का वर्णन, नागमती के किस तरह से पूरा एक वर्ष बीता, और सबसे पहला जो महीना बीता वो आषाढ़। तो वो नागमती कहती है, चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, साजा विरे दुंद दल बाजा, धूम श्याम धोरे गन धाये, सेत दुजा बुग पांति दिखाए, खरग बीज चमके चऊ ओरा, बुंद बान बरसी गन घोरा, अदरा लाग बीज भूई लेई, मोई पिय बिन को आदर देई, ओने घटा आय चऊ फेरी, कंत उबार मदन हो घेरी, दादूर मोर कोकिला पीऊ, करें बेज घट रहे न जीऊ, पुच्च नकत सिर ऊपर आवा, हो बिन ना मंदिर को छावा, जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारी तिन गर कंत पियारा, बाहिरे हम सुख भूला सर। तो चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, ऐसा लगता है जैसे शुरुआत जो होती है वीरह की तो बड़ी भव्य तरीके से होती है, और जैसे युद्ध का पूरा वर्णन, वीर गाथा काल के समय में ही हमारे यहाँ युद्ध के वर्णन की बड़ी परंपरा रही है। लेकिन ये प्रेम कविता है और इसके अंदर युद्ध का कोई वो नहीं, लेकिन वो एक छाया दिखाई देती है कि किस तरह से युद्ध जो है बहुत उत्साहवर्धक होता है, बहुत जोशवर्धक होता है, और युद्ध में भी जो शत्रु है उसका वर्णन है कि वो जो आषाढ़ जो है वो आषाढ़ के महीने में मुझ पर आक्रमण हो रहा है, नायिका पर आक्रमण हो रहा है, नागमती पर आक्रमण हो रहा है, और साजा विरह द्वंद दल बाजा, और ये जो विरह है इसने द्वंद्व का दल जो युद्ध करने वाली सेना है उसको उन्होंने उसका बाजा बजा दिया। बाजा कैसे कि बादल घड़क गरजते हैं, बहुत घुमड़ते उमड़ते उसकी एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ ऐसे लगती है कि ये विरह की सेना के गाजे बाजे जो है वो बजने लगे हैं और वो सज्जित होकर के वो आ रहे हैं। धूम श्याम धोरे धन धाये, ये जो घन है, ये जो बादल है वो धुमेले सफ़ेद श्याम रंग के सब चारों तरफ से चारों दौड़े हुए सब चले आ रहे हैं। एक ही रंग के बादल नहीं है, बादल तरह तरह के रंगों के बादल है। प्रकृति का वर्णन करते समय बादलों के रंगों के माध्यम से उसकी गति का भी वर्णन वो करती हैं कि धाये माने धीरे धीरे नहीं चल रहे, बादल आकर के और वो एक ही जगह खड़े हुए नहीं है, एक जगह से एक क्षितिज से बादल निकलते हैं जैसे दौड़ करके चले आ रहे हो। धाये शब्द में जो भागने की जो जल्दबाजी होती है उस जल्दबाजी का, और धाने भागना बहुत ताकत का काम है, हर एक व्यक्ति भाग नहीं सकता, तो ये बादल जो है बहुत ताकत के साथ में चल रहे हैं। सेत दजा बग पांत और पांति दिखाए, और वो जो एक झंडा जो लेकर के चलते हैं, सफ़ेद सेना चलती आगे तो एक झंडा भी होता है, तो झंडा कहाँ का हुआ, तो ये बगलों की पंक्ति आकाश के अंदर चल रही, और उन्होंने बगलों की पंक्ति देखी कि ये जैसे उस सेना की जब सेना है तो उसकी ध्वजा भी है, तो सफ़ेद पंक्ति वो लिए हुए चले आ रहे। खड़ग बीज चमके हूँ हो रहा, और वो जो खड़ग है जो तलवार है, उस समय तलवारों से युद्ध होता था मध्यकाल में बंदूक और तोप और इन सब का आविष्कार नहीं हुआ था, तो सब शारीरिक युद्ध होता था, आमने सामने की लड़ाई होती थी, और उस आमने सामने की लड़ाई में खड़ग जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती थी, तलवार उसका जिक्र किया, और युद्ध की सब सामग्री का वर्णन बहुत समझ जायसी को इनकी थी। तो खड़ग बीज क्या, बिजली ऐसे चमकती है जैसे वो तलवार चमकती हो, क्योंकि आपस में एक तो टकराए, मियान से जब बाहर निकलती है तलवार तो उसका रंग एकदम सफ़ेद दिखाई देने वाला होता है, और चारों ओर बिजलियां चारों ओर कड़कड़ाती चमक रही, तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध के मैदान में सिपाही आपस में जो लड़ रहे होते हैं उनकी तलवारें चमक रही वही दिखा रही। बूंद बाण बरसे घनघोरा, और ये जो बूंदें आ रही है आकाश में से जो बूंदें गिर रही है
आती ऊपर से आती है और नीचे गिरती है जमीन पर, इसका मतलब वो तीर चल रहे हैं वहाँ से, वो तीर किसके हैं, बादल के। तो एक तरह से पूरे प्रकृति का वर्षा ऋतु का जो वर्णन है, उस वर्षा ऋतु के वर्णन में इन्होंने वीरता का तो सबसे पहले वर्णन कर दिया और युद्ध को आरोपित कर दिया। आरोपित करने के बाद में ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण उन्होंने इस तरह का बना दिया जिससे लगता है कि आप एक तरफ युद्ध और एक तरफ बादल। अब इसमें जायसी की विशेषता क्या है कि युद्ध की जो वीरता है वो बनी हुई है, लेकिन बादलों का, बिजली का, इसका सौंदर्य को जायसी ने अक्षुण रखा कि आषाढ़ के महीने में बादल बहुत खूबसूरत होते हैं, तो उन्होंने उनके सौंदर्य को बरकरार रखा है। भले ही वो सारे मिलकर के जो कथा कहने वाली जो नागमती है उसके नागमती के हित में नहीं है, नागमती के खिलाफ है, लेकिन तो भी जायसी ने उसका ध्यान रखा, माने इसके सौंदर्य को बिना नष्ट किए हुए एक दूसरे भाव की सृष्टि कर दी। तो ये एक किसी भी कलाकार की एक बड़ी भारी विशेषता होती है। तो खरग बीज चमके चौं ओरा, बूंद बांध बरसे घन घोरा, और बहुत घन बहुत घोर आवाज़ के साथ में वो अपने तीर बरसा रहे हैं, और तीर जब आते हैं तो एक से एक तीर आते ही चले जाते हैं लगातार, उसी तरह बरसात आती चली जाती, और सिर्फ बरसात नहीं, पानी की बूंदें आकाश से चली सीधी वहाँ नीचे तक आई, जैसे पूरा तीर वहाँ से यहाँ तक एक लंबा, जिस तरह से बूंद अपना रास्ता तय करती है वो तीर की तरह। तीर की विशेषता एक वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, बिल्कुल सीधा चलता है। बूंद की विशेषता एक वो भी सीधी चलती और आकर के धरती पर छांगे। ओ नई घटा आई चौं फेरी, और फिर जो घटाएं हैं वो चारों ओर से आकर के वो गिर गई है अब, और मुझे भी फेर लिया है। कंत उबारू मदन हो गेरी, हे मेरे कंत। यहाँ पर आकर के वो अपने पीव को संदेश भी देती है या प्रार्थना भी करती है कि कंत उबारू मदन हो गेरी, मुझे मदन ने, कामदेव ने घेर लिया है। इस कामदेव की जो काम की जो पीड़ा है इसे तो कंत ही दूर कर सकता है, पिया ही दूर कर सकता है, पति ही दूर कर सकता है, और ये स्वकिया का प्रेम है, और स्वकिया के प्रेम के अंदर ये भाई पति से ही आप निवेदन कर सकती हैं। तो ये जो काम भाव है, उस काम भाव में के कारण मदन ने मेरे चारों, काम देव देवता ने मेरे को घेर रखा है और मेरे बचने की अब कोई संभावना नहीं। इतना विशाल युद्ध की भूमि का वर्णन किया, और एक छोटी सी बिचारी स्त्री, और जो स्त्री भी अपने पति पर निर्भर है, और जिस पति, जो पति उसको छोड़ करके चला गया, और जिस पति की आस में उसने अपना वो जीवन जी रही। तो कंत उबारू मदन हो गए, दादूर मोर कोकिला पीऊ, दादूर है मेंढक है, मोर है, कोयल है, ये पीऊ पीऊ करके बोले जा रही हैं, और पूरे वातावरण इस वातावरण इसके कारण करही बेज गट रहे जीव, वो बेज रहे हैं मेरे जीव को। वो पीऊ बोलते हैं तो मुझे भी पीऊ याद आता, तो ये कोयल बोलती है तो पीऊ याद आता, सब में अपना पति याद आता है, और जीव जो मेरा है वो गट में रहने की स्थिति में नहीं, शरीर के भीतर मेरा प्राण रह नहीं पा रहा, इतना प्राणातक पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि उस पीड़ा के कारण प्राण जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं, जीव गट में से, शरीर में से जीव बाहर निकल के जा रहा, इतनी वो कष्ट दे रहा। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो मेरे नाह मंदिर को सवा, पुष्य नक्षत्र सिर पर आ गया। ये हमारे यहाँ ज्योतिष के हिसाब से नक्षत्रों का बड़ा वर्णन है कि किस महीने में कौन सा नक्षत्र होता है, 15 दिन का 20 दिन का नक्षत्र आता है, और जायसी ने इस पूरे साल भर के वर्णन में अलग अलग समय पे आने वाले नक्षत्रों का भी वर्णन किया है, और इस समय इन्होंने कहा कि आषाढ़ में पुष्य नक्षत्र आता, तो पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, पुष्य नक्षत्र सिर पर आ गया, माना आगे आने वाला आई रहा। हो बिन नाह मंदिर को छावा, हमारे बिना तो हों बिन, तुम्हारे बिना, पति के बिना मेरे मंदिर को कौन छाएगा, मेरी जो छपरी है, मेरा जो घर है, उस घर में को छाएगा कौन। अब एक यहाँ पर जायसी का बड़ा महत्व है, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी तारीफ की, किस तरह ये जो नागमती है ये वीरय में अपना रानी पना भूल गई है और एक सामान्य की स्त्री बन गई। क्यों, उसकी चिंता क्या कि जाहिर है कि राजा चला गया तो भी वो रानी तो रानी ही है, उसके बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, कोई भी उसका छप्पर तैयार कर देगा, लेकिन किसान स्त्री को तो उसका पति ही छप्पर छाएगा, और सब व्यक्ति ये तैयार, जो कच्चा मकान होता है उस कच्चा मकान में बरसात से पहले उसकी छत को ठीक करते हैं, छप्पर से उसको छाते हैं, और उस छाने के बाद ताकि बरसात में वो आपको नुकसान ना हो, और ये काम
आषाढ़ महीने से आने से या उसी के आसपास आप इसको ठीक भी कर देते हैं। अब मेरा छप्पर कौन छाएगा, ये चिंता नागमती को आ गई। हो सकता है उसका मकान पक्का हो, अब तो दूसरे तरह का मकान बनने लगा है, इसलिए बरसात से पहले ठीक करने का कोई उपकरण अब हमको दिखता नहीं, लोक में दिखता नहीं। लेकिन लोक जीवन में अभी भी ये होता है कि ये जो कार्य है ये कौन करेगा, पति करेगा। तो हो बिना नाथ तुम्हारे बिना है नाथ, मेरे इस मंदिर को घर को कौन छवाएगा, और घर को नहीं छवाएगा तो बरसात में उसमें टप 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 करके पानी गिरेगा और फिर हम रहेंगे कैसे, हमारे लिए तो बहुत समस्या हो जाएगी, ये तो जीवन मरण का मामला। तो ये जो है, ये जो पीड़ा है, ये जो चिंता है, ये किसान स्त्री की चिंता है, एक ऐसी सामान्य स्त्री की चिंता है जो कोई मजदूर बुला के अपना काम नहीं करवाती, आप स्वयं ही अपना काम करते हो, अपने घर की देखभाल आप खुद ही करते हो, और आप जब पति नहीं है तो कौन करे, और जाहिर है कि ये स्त्री नहीं करती, पुरुष करता है, तो पुरुष आकर के करे वो है नहीं। तो इसलिए वो उसने वर्णन पूरा करके कहा कि जिन घर कंता ते सुखी, जिसके घर में कंत रहते हैं, कंता रहते हैं, पति रहता है, वो तो है सुखी। तीन गारों और गर्व, वो अपना गर्व से और गौरव से रहते हैं, भाई मेरा पति है, तो ये गर्व की अनुभूति होती है, एक जिसको कहना चाहिए अपना उस स्त्रियों में भी एक तरह का वो रहता है आदर का भाव। कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर, और मेरा जो प्यारा कंत है वो बाहर चला गया और मैं सारे सुख भूल चुकी हूँ, किसी भी प्रकार का कोई सुख हमारे मेरे सामने मेरे जीवन में है ही नहीं। अब आप ये जो वर्णन है विरह के वर्णन में, इस विरह के वर्णन की परिधि के भीतर जो जिंदगी है, जो जीवन है, जो प्रकृति है, उस प्रकृति के परिवर्तित रूप का वर्णन धीरे धीरे ये जायसी करते रहते हैं, आपको ठेठ उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उस समय का जो भारतीय किसान है, भारत का जो ग्रामीण जीवन है, वो ग्रामीण जीवन जिस तरह से देखता सोचता रहता है उसी की आपको अनुभूति करा देती है, और उस पीड़ा की, उस अभाव की अनुभूति करा देती है कि कंत के बदले में कोई दूसरा नहीं, कंत तो कंत ही, पति की जगह पे कोई दूसरा पति नहीं, पति ही वही हमें आवे, वही हमको मिले और वही हमारे सब काम करे। ये जो भाव है, ये नागमती का अद्भुत, ये जो एकनिष्ठता जिसको कहना चाहिए, ये एकनिष्ठता बहुत ही अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि करती है जो जायसी की इन रचनाओं मिलती है, जो कुल मिलाकर के हमारे समाज का एक मानवीय मूल्य भी है। आगे उन्होंने आषाढ़ के बाद में जो महीने आते रहते हैं, जिस क्रम से महीना आता है उसी क्रम से उन्होंने वर्णन किया, तो सावन का वर्णन करते हैं जायसी, और सावन में बरसात होती है, बरसात का वर्णन। सावन बरस मेह अतिबानी, भरई भरों हों विरह जुरानी, लाग पुनर्बसु पीउन देखा, भे बाउर कै कंत सरेखा, रकत कै आंसू भरी, परे भुई टूटी, रेंग चली जसु वीर बहूटी, सखिन रचा पीउ संग हिंडोला, हरियर भुई कुसुमितन चोला, हिय हिंडोल जस डोले मोरा, विरह जुलावे दे जगोरा, बाट असूज अथा गंभीरा, जीव बाउर बा भवे भवे भंभीरा, जग जल बूढ़ जहाँ लग ताकी, मोर नाव खेवक बिन थाकी, पर्वत समंद अगम बिच बन बेहड़ गन डंक, किम कैरी भेंटों कंत तोई, ना मोह पावन पंख। सावन बरस मेह अतिबानी, सावन का महीना है और सब बरसात हो रही है, बहुत तेज बरसात हो रही है, लगातार होती जा रही है, और भरण पड़ रही है बरसात की, जड़ी लग गई है बहुत पड़ रही, और इधर तो बरसात है और बरसात भरी जा रही है, और मैं इस विरह में जुरा नहीं हूँ, मैं सूखती जा रही हूँ। आमतौर से तो जब पानी बरसता है तो सब हरे भरे होते हैं, प्रकृति हरी भरी होती है, लेकिन विरह के कारण मैं पिय नहीं, इसलिए हरी भरी कहाँ से हूँ, मैं तो सूखती ही जा रही हूँ। लाग पुनर्बसु पीउ ने देखा, पुनर्बसु नक्षत्र लग गया, इस पुनर्बसु नक्षत्र को क्या मेरे प्रिय ने नहीं देखा, मैंने तो देखा और मेरे मन में थी विरह की अनुभूति जागृत हुई, लेकिन उन्होंने नहीं देखा क्या, अगर उन्होंने देखा तो उनको घर की याद नहीं आई, जैसे मुझे भी रह गया याद आ रहा है उनको नहीं आ रहा। तो भे बाउर कहें कंत सरेखा, और मैं जो है बावरी हो गई हूँ, पगला रही हूँ, मेरा जो प्रिय है, मेरा जो प्रीतम है वो कहाँ चला गया। रक्त के आंसू परी भुई टूटी, मैं रक्त के आंसू रो रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि वो मेरे जो रक्त के आंसू जो रो रही हूँ वो धरती पर गिर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि रेंग चली जस वीर बहूटी, वीर बहूटियाँ मानो रेंग रही हो, और ये रक्त के आंसू
आसमान भी रो रहा है मेरे वीरे में, और वो जो गिर रही है उसे वीर बहुटियाँ चलने लगती है। एक विशेष प्रकार का वीर बहुटी का एक जीव होता है जो बरसात के समय में अपने आप ही होता है और बहुत लाल 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 पृथ्वी को बहुत सुंदर कर देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ही वो आसमान से रक्त के और एकदम लाल रंग की होती है तो रक्त जैसे ही होती, तो नागमती ने उसके उसका एक सादृश्य दिखाया। और ये सादृश्य देखने के लिए कवि को वीर बहुटियों की जानकारी होनी चाहिए थी, उसके सौंदर्य को देखना होता है, और जायसी प्रकृति का बड़ा ही मुग्ध भाव से चित्रण करते हैं। भले ही आपको माने नायिका को दुख दर्द कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जायसी के सौंदर्य में कमी नहीं आ सकती, इसलिए वीर बहुटियों का उन्होंने वर्णन किया। सखी ने रचा पीयू संग हंडोला, सखियों ने कहा कि चलो सावन का महीना है, झूला झूलने की बारी है, अपने पीयू के साथ उन्होंने झूला रखा। हरियर भई भूई कुसुमितन चोला, और ये जो भूमि है हरी भूमि है, और उसे उन्होंने भी सब ने अपने कुसुमी रंग का चोला पहन रखा, माने कपड़े भी उसी रंग के महिलाओं ने पहन रखे हैं। अपने पति के साथ में वो झूला झूल रही हैं, एक वातावरण बन रहा है, हरा भरा सौंदर्य है। लेकिन मेरा क्या हो रहा, ही हिंडोल जस डोले मोरा, और मेरा जो हृदय है वो उस हिंडोले के तरह झूले की तरह डोल रहा है, स्थिर नहीं है हृदय, चित्त स्थिर नहीं है, चित्त बेचैन है क्योंकि प्रिय नहीं। तो ही हिंडोल जस डोले मोरा, विरे झुलावे दे जंकोरा, और ये जो मुझे झूला कौन रहा, झूले को एक झूले धक्का देने वाला भी एक होता है, ये विरह है, ये विरह जो है मुझे ये धक्का दे रहा है, हिंडोला दे रहा है, और मैं कुछ कर ही नहीं पा रही क्योंकि वही दे रहा। बाट असूज अथा गंभीरा, वो जो रास्ता है प्रिय के पास का, भाई चलो कोई बात नहीं, कहाँ पर है प्रिय, अपना उठ के चले जाओ, आजकल तो भाई गाड़ी में बैठ के चले जाओ। लेकिन ये मध्यकाल की नायिका, मध्यकाल की नायिका एक तो घर से बाहर नहीं जाती, और फिर तो वो रानी है वो भी नहीं जाती, दूसरा अकेली स्त्री कहाँ जाए। तो लेकिन फिर रास्ता असूज, पता ही नहीं कहाँ जाए, प्रिय तो गया तो बताया, रास्ता थोड़े बताया कि इधर मैं जा रहा हूँ, तो असूज है, रास्ते का पता नहीं, अथा भी है उसका अंतिम पता नहीं, और गंभीर बहुत भारी उसका रास्ता है, उस रास्ते को मैं देख नहीं पा रही हूँ, और मेरा जो जीव है, जीव बाउर जो पागल मेरा बावड़ा जो जीव है, वो भंभीरा पक्षी भंभीरा कीड़े की तरह से चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, एक तरह का सामंजस्य उन्होंने दिखाया। जग जल बूढ़ जहाँ लग तक, जहाँ तक देखो सारा संसार पानी में डूबा हुआ, बाढ़ सारे देश में आई हुई ऐसा लग रहा है, इतनी तेज बरसात हुई कि ताल तले या सब भर गए, खेत गांव रास्ता सब पानी से तर भरा हुआ। लेकिन इसमें तो आप नाव से ही पार लगा सकते हो, पानी जब ज़्यादा आ गया तो। लेकिन मोर नाव खेवक बिन थाकी, मेरी जो नाव है, मेरी जो जीवन की नैया है, वो खेवक के बिना, चलाने वाले के बिना थक गई, अब चला ही नहीं जा रहा मेरे से। अब थकान जो है वो जीवन में जिसको कहना चाहिए ताकत नहीं बची मेरी, जिसमें से मैं आऊँ। पर्वत समंत अगम बीच बन बेहड़ गन ढंक, बहुत हमारे बीच में, मेरे और पति के बीच में पर्वत है, समुद्र है, ऐसी जगह है जो अगम है, जहाँ पे जा नहीं सकता, वन है, विहड़ जंगल है, और ये जो ढाके जंगल है, ढाके जंगल तो बड़े घने होते हैं। अब इस तरह की सारी चीज़ों का वर्णन करके वो कहते हैं कि वहाँ पर मैं कैसे जाऊँ, तो मैं प्रिय नहीं आ रहा, ठीक बात है, मैं प्रिय के पास कैसे जाऊँ, किम करी भेंटों कंत तोई, हे मेरे कंत, है मेरे पति, है मेरे प्रिय, मैं तुझसे किस तरह से मिलूं, मेरे न तो पाँव है न पंख है, न तो मैं पैरों से चल पा रही हूँ, न मेरे पंख है जिसमें से उड़ करके आपके आ जाऊँ। पंख तो है लेकिन नहीं, पंख नहीं है मान लीजिए, लेकिन पैर तो आपके है ना, अगर आप इसका सरलार्थ करेंगे अभी दाखो, तब जायसी यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं पैर नहीं है, रास्ता कैसे जाएं, आप ऐसे निर्णय कैसे लेके जा सकती हो, आपके पास में कोई साधन नहीं, तो उस प्रिय तक के पास जाने का कोई साधन नहीं है। एक लौकिक जीवन की इस पीड़ा का, इसकी बहुत गजब की अभिव्यक्ति जायसी ने यहाँ पर की है, जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक अर्थ नहीं है, बल्कि एक सामान्य जो मानवीय मनोभाव है, उन मानवीय मनोभावों का वो फुर्सत से वर्णन करते हैं। जायसी को जल्दबाजी नहीं है, वो आराम से इनका वर्णन करते हैं, कहा जब तक इसका वर्णन नहीं हो जाता तब तक हम कथा को रोक देते हैं, रतन सेन और पद्मावती के मिलने के बारे में हम और बात करेंगे। इस तरह से अगर जायसी के एक एक हिस्से को, खंड को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको उसके भीतर के और सौंदर्य की आपको अनुभूति हो सकेगी।